हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वर्चुअल एकेडमी। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, जिसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट डिस्कस किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी क्या होता है उसके बारे में हमने समझा था और फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हमने जो अभी तक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जो जो जितना भी मेन हेड्स सब हेड्स डिस्कस किया था, उन सब के अंदर जो डिटेल्स आती है वो किस तरह से आती है, मेनली आपके लेवल के ऊपर जो सबसे मेन वर्किंग है दैट बिलोंग्स टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का जो नोट्स टू अकाउंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको वर्किंग बहुत अच्छे से सीखना है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार फिर से बना देती हूँ, राइट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने के बाद मैं आपको बता दें कि उसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स आप लोग किस तरह से डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को याद है, अच्छा आप लोग मेरे साथ चलिए। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था उसके अंदर सबसे पहला था इक्विटी एंड लायबिलिटीज, रिमेंबर हम लोग शॉर्ट के अंदर लिखेंगे, बहुत वी आर गोइंग टू जस्ट रिमेंबर दैट, रिवाइज कर रहे हैं। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, दिस इज एल, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला मेरे पास क्या था, इट वॉज फर्स्ट नंबर वॉज फॉर शेयरहोल्डर्स फंड, रिमेंबर शेयरहोल्डर्स फंड। शेयरहोल्डर्स फंड के अंदर मेरे पास तीन मेन हेड्स, सॉरी तीन सब हेड्स थे, दैट वॉज ए बी सी एंड इट इज एस आर एन। एस फॉर, एस स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल, आर स्टैंड फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, and M for money received against share warrants, right। तो ये हमारा shareholders fund था। तो shareholders fund के अंदर जो main head था मेरा share capital, remember the format, उसके अंदर ये था note number, note number, और यहां पे था मेरा figures for current year and then figures for previous year, remember। तो यहां पे शेयर कैपिटल का नोट नंबर वन। अब इस नोट नंबर वन रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर अगर कोई अमाउंट आ रहा है तो वो नोट नंबर टू, उसका जो डिस्क्रिप्शन है नोट नंबर टू के अंदर देखिए, देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स, अगर उसके लिए कोई डिटेल है तो नोट नंबर थ्री में देखिए, लाइक दैट यू प्रिपेयर। हम लोग सबसे पहला आज की क्लास में डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स किस तरह से बनता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ओके। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट्स के लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, इट इज लाइक जस्ट शोइंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स की, बस आपको यहां पे मेंशन करना है दैट यू आर मेकिंग नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब बैलेंस शीट के आगे उसका नोट्स टू अकाउंट्स अलग बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के आगे उसका नोट्स टू अकाउंट्स अलग बनेगा, ओके। सो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, सॉरी ये आपके पास थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेंगे, इसके अंदर आपको नोट्स टू अकाउंट्स, ये आपका पर्टिकुलर्स, ये आपका इनर कॉलम है, आपका आउटर कॉलम है, राइट। ये सारी आपकी वर्किंग्स और ये आपका जो मेन अमाउंट है जो बैलेंस शीट में अमाउंट डिपिक्ट करेगा वो बताता है। सो यहाँ पे ये इनर कॉलम है, आउटर कॉलम है, दोनों का फर्क नहीं है, दोनों अमाउंट ही शो करता है, दोनों अमाउंट ही शो करता है, इसको इनर कॉलम है, इसको आउटर कॉलम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इन रुपीस। सो इनर कॉलम और आउटर कॉलम के अंदर हमको यहाँ पे सबसे पहला नोट बनाना है बैलेंस शीट का, नोट्स टू अकाउंट्स का फर्स्ट नंबर, देखो वहां पे जो नोट नंबर वन लिखा था वो यहाँ पे बताएगा रेफरेंस के लिए, राइट। तो दिस इज योर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो सारी यहाँ पे आएगी। रिमेंबर सबसे पहला मेरे पास होता था यहाँ पे शेयर कैपिटल के अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल मेरा जो वर्किंग है उसके अंदर आप लोगों ने डीएस वगैरह के अंदर पढ़ा होगा कि किसी भी कंपनी को बनाते टाइम, इनकॉर्पोरेशन के टाइम आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके अंदर आपको कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हो सकती है वो वहां पे नोटेड होती है।
इसको ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं, इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। ये मैक्सिमम लिमिट है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम के अंदर कितना कैपिटल रेज कर सकती है। इसको चाहे तो हम रिवाइज कर सकते हैं बाय विद द अग्रीमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, इसको चाहे तो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं विद द अग्रीमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज करना है तो आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑथोराइज कैपिटल, अब ऑथोराइज कैपिटल बेटा ना किस तरह से हो सकती है, इट कुड बी ऑफ टू, हमारे पास जो शेयर कैपिटल शेयर्स है, सॉरी हमारे पास जो शेयर्स है वो दो टाइप के हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल दोनों का हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स भी है और इक्विटी शेयर भी है, तो जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स एंड देन फॉर एग्जाम्पल दिस इज 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट रुपीज 10 ईच, मतलब आपको यहाँ पे फेस वैल्यू अलग बताना है और नंबर ऑफ शेयर्स अलग बताने हैं, देन फॉर एग्जाम्पल 20,000 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज 10 ईच। तो इंटरनल कॉलम के अंदर कितना आएगा, देखो ये इंटरनल कॉलम के अंदर ये आ जाता है 10,000 इंटू 10 इज 1 लाख एंड नीचे आ जाएगा ये 2 लाख, तो यहाँ पे मेरा आउटर कॉलम के अंदर ये 3 लाख रुपीज आ जाएगा एंड इट इज बैलेंस जो है। ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये अमाउंट कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाएगा, वो अमाउंट जो आपने रेज कर रखा है, वो अमाउंट जो आपने मार्केट से उठा रखा है, वही अमाउंट आपका बैलेंस शीट के अंदर डिपेक्ट करेगा, तो ये अमाउंट आपका बैलेंस शीट में डिपेक्ट नहीं करेगा। आपको याद है जितना ऑथराइज है कंपनी उस लिमिट तक ही शेयर्स इशू कर सकती है, तो लिमिट तो यहाँ पे मैक्सिमम आ गई, ये इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए है। देन ऑथराइज कैपिटल के बाद आता है इशूड कैपिटल, बट इज इशूड कैपिटल आउट ऑफ दिस ऑथोराइज आपने कितना इशू करने के लिए निकाला, फॉर एग्जाम्पल 10,000 मेरी लिमिट है तो 10,000 के अंदर से मैंने सिर्फ 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स निकाली, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये जो अमाउंट है ये जितने भी यहाँ पे नंबर्स आपको दिख रहे हैं सब एग्जाम्पल्स के लिए है। 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स, आप हो सकता है कि पूरे के पूरे 10,000 भी इशू करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट रुपीज 10 ईच, देन यू हैव, अच्छा 20,000 इक्विटी शेयर्स के अंदर से आपने कितने इशू किए, लेट्स टेक इट कि आपने यहाँ पे इशू किए 15,000 शेयर्स, राइट, लेट्स टेक इट लाइक 15,000 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज 10 ईच, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इतने इशू किए हैं, मतलब इतने का आपने पब्लिक को ऑफर दिया कि आइए और हमारे पास से आके ये शेयर खरीदिए, राइट, हमको पैसा दीजिए और हमारे शेयर्स खरीदिए, तो ये आपका इशूड कैपिटल है। पब्लिक ने आपको वाकई इतना पैसा दिया कि नहीं दिया वो एक अलग बात है, ये तो अभी आपका सिर्फ इशूड पार्ट है कि आपने कितना पब्लिक को ऑफर दिया। सो इट कम्स टू 5,000 इन 10 इज इट्स लाइक 50,000 एंड दिस वुड बी 1,50,000। तो आउट ऑफ ऑथराइज आपने इशू कितना किया अभी, सिर्फ 2 लाख। अगेन दिस इज जस्ट अ फिगर फॉर डिस्क्लोजर, ये फिगर फिर से आपका कहीं पे भी बैलेंस शीट में डिपिक्ट नहीं करेगा, राइट, आपका डिपिक्शन कहां पे जाएगा अभी हम लोग बात करते हैं। इशूड कैपिटल, अब इस इशू के अंदर पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, विच इज नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल, इट इज ऑल्सो नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल। बेटा अब ये जो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है ना, ये सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर से कौन सा अमाउंट आता है, कौन सा पार्ट आता है कि आपने 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए तो उसके अंदर से पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए। अच्छा हमको याद है जब हम लोगों ने अकाउंट्स फॉर शेयर कैपिटल सीखा था कि आपका जो यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कम से कम 90% का होना चाहिए, अदरवाइज सब्सक्रिप्शन फेल, वो जो इशू है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है अगर आपका 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया, मतलब 90% पब्लिक ने, आपने जितना इशू किया था उसके अंदर से 90% लोग खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं, 90% आपके शेयर्स मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, तो आपका इशू सक्सेसफुल है, अदरवाइज आपको उसको विड्रॉ करना पड़ता है इफ यू रिमेंबर। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम 90% होना चाहिए, इट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आप ज्यादा नहीं इशू कर सकते, आपको उसके अंदर फिर आपके पास ऑप्शन थे कि रिटर्न कर दीजिए पैसा, एक्सेस पैसा जो है वो रिटर्न कर दीजिए, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दीजिए और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। इशूड कैपिटल देन सब्सक्राइब कैपिटल, अब सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर से फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया एवरीथिंग, अब सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, पहला सब्सक्राइब
एंड फुली पेड अप। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कहने जा रहे हैं यहां पे। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर से आपने लोगों ने फॉर एग्जाम्पल 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू किए, तो लोगों ने फॉर एग्जाम्पल 5,000 का अगर मैं 90% निकालू, ठीक है चलो एक काम करते हैं पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लिया। लोगों ने आपने 5,000 इशू किए, लोगों ने 5,000 शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए, तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹10 ईच। आपने पूरे पैसे मंगवा भी लिए और लोगों ने पूरे पैसे दे भी दिए हैं, दोनों ही कैटेगरी जब सेटिस्फाई होती है कौन सा? फिर से सुनिए, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर क्या आता है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर आपने जितना शेयर्स लोगों ने खरीदने की कोशिश की थी आपने उसका पूरा पैसा मंगवा भी लिया है और वो पूरा पैसा आ भी गया है, दैट इज नोन एज सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो इधर जाएगा, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो किधर जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। मतलब फॉर एग्जाम्पल ₹10 का एक शेयर था, मैंने मंगवाया, अभी तक कॉल्ड अप ही मेरा कितना है फॉर एग्जाम्पल ₹5 है, तो पब्लिक उससे ज्यादा कैसे देगी? सीधी सी बात है, तो वो भी किस कैटेगरी में जाएगा? नॉट फुली पेड अप में। अब मैंने तो पूरे ₹10 मंगवा लिए थे, ऐसा होता है ना कि कुछ लोग पैसा नहीं देते, तो वो जो कैटेगरी है वो भी इसी में जाएगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। समझ रहे हो? मतलब या तो कंपनी ने कम पैसा मंगवाया है या तो लोगों ने कम पैसा दिया है, वो दोनों ही किस कैटेगरी में जाएगा? इस सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ऐसे काम करते हैं, ऑथोराइज और इशू तो बहुत सिंपल सा था, इसको हटा लेते हैं। सब्सक्राइब का जो वर्किंग है वो थोड़ा सा मेन वर्किंग है, उसको हम लोग प्रॉपरली सीखते हैं। ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट है ना, वो जो अमाउंट आएगा फाइनल अमाउंट वो जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर, जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के आगे वो जो अमाउंट आ रहा है ना वो वहां पे आएगा। ओके सो यहाँ पे मेरा क्या था? सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, उसके नीचे सब्सक्राइब कैपिटल, उसको हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं अलग से। इन दिस पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल आपके पास दो ऑप्शन है, ये है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। मतलब आपने भी पूरा पैसा मंगवा लिया और लोगों ने भी पूरा पैसा दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स जो थे उनका पूरा पैसा आ गया है, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹10 ईच, ये कितना आता बेटा? ₹50,000। ये लोगों ने आपको पैसा दे दिया वो है, ठीक है। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, पेड अप मतलब लोगों ने पूरा पैसा दे दिया है। सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप के अंदर क्या आता है? एंड नॉट फुली पेड अप। अब सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, ये एक, ये दूसरा ऑप्शन, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप के अंदर दोनों ही चीजें, एक तो कंपनी ने कम मंगवाया है और दूसरा लोगों ने कम दिया है, वो दोनों ही कैटेगरीज इसमें आएंगी। कैसे आएगी? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इश्यूड मैंने किए थे 15,000 इक्विटी शेयर्स, जो हमारा एग्जाम्पल था उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने यहाँ पे इशू किए थे 15,000 इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पे लोगों ने सब्सक्राइब तो किए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो पूरे सब्सक्राइब किए 15,000, ठीक है। इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच, फेस वैल्यू भी लिखा, लेकिन इसके अंदर से मैंने पब्लिक से अभी सिर्फ ₹5 ही मंगवाए हैं। आपको याद है हम लोगों ने जब अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल किया था तो उसके अंदर सीखा था कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आता है एप्लीकेशन मनी, तो आप या तो लमसम मंगवा सकते हैं तो इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट के अंदर आपके पास आता है एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर कॉल्स, समथिंग लाइक दैट इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे मैंने जो कॉल किया वो मेरे टोटल कॉल्स के अंदर मैंने अभी पैसा मंगवाया सिर्फ ₹5। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक 5 कॉल, कॉमा लगा के 5 कॉल, तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 15,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, मतलब 10 तो उसकी फेस वैल्यू थी लेकिन अभी तक 5 ही बुलवाए हैं, तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा? 15,000 इंटू 5, दिस वुड बी ₹75,000, राइट। तो ये टोटल जो अमाउंट है कितना? दिस वुड बी 1,25,000 जो अमाउंट है ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ये जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में जाएगा।
मैम ये तो आपने हमको बता दिया कि कंपनी ने आधा अधूरा मंगाया, अब इसके अंदर से जब लोग आधा अधूरा देंगे तो वो कहाँ पे जाएगा? तो वो बेटा जाता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपने 5 रुपए मंगवाए, अब इस 5 रुपए में से भी पब्लिक ने आपको पूरे पैसे नहीं दिए, आपने अभी तक भले 15,000 शेयर से 5 रुपए मंगवाए हैं, उसके अंदर से भी कुछ लोग ऐसे जिन्होंने पूरे 5 रुपए नहीं दिए, ठीक है, तो यहाँ पे ही लेस कर देंगे उसको, लेस कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स, राइट। तो कॉल्स इन अरियर्स जितना भी होगा वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये होता है 75,000 रुपीज, मैं ऐसा मानती हूँ कि मुझे कुछ शेयर्स ने 5,000 रुपए नहीं दिए, कॉल्स इन अरियर्स है मेरा, राइट। तो ये कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे डिडक्ट हो गया, तो ये आ गया मेरे पास टोटल अमाउंट अभी कितना आया 70,000। तो ये 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स का, ये 70,000 इक्विटी शेयर के नाम पे आया, तो टोटल 20,000 का जो बैलेंस है वो मेरे बैलेंस शीट पे डिडक्ट करेगा, कॉल्स इन अरियर्स यहाँ से ही डिडक्ट हो जाएगा। फुली पेड अप के अंदर कौन से शेयर्स आते हैं? इक्विटी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ प्रेफरेंस, इक्विटी भी आ सकते हैं। आपने भी पूरा पैसा मंगवा लिया और लोगों ने भी पूरा पैसा दे दिया, लेकिन या तो आपने पूरा पैसा नहीं मंगवाया या तो लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया, वो दोनों ही कैटेगरी कहाँ पे जाती है? सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप। अब इसके अंदर से आप लोगों ने सुना होगा फोरफिटेड शेयर्स भी होते हैं, तो जितने भी फोरफिटेड शेयर्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। फोरफिटेड शेयर्स का जो अमाउंट है वो इधर ऐड हो जाता है, जो भी अगर कोई फोरफिटेड शेयर्स हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे, तो मैंने देखो पूरा जितना भी मेरा सब्सक्राइब था उतना, ये 5,000 मेरा इशूड था, 5,000 सब्सक्राइब है, 15,000 इशूड था, 15,000 सब्सक्राइब है, यहाँ पे मैंने कुछ फोरफिट नहीं किया है। फोरफिट करने से यहाँ पे मेरा जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फोरफिटेड शेयर्स वो इधर अलग से ऐड हो जाएंगे। बट अभी मेरे पास ऐसा कोई अमाउंट है नहीं इसलिए मैं यहाँ पे ले नहीं रही हूँ, ठीक है, मतलब फोरफिटेड शेयर्स वहाँ पे अलग से ऐड हो जाते हैं, और ऐड होने के बाद का जो फिगर है, अमाउंट है जो मेरा यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, वो उसके इंक्लूसिव ऑफ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो ये मेरा पूरा जो शेयर कैपिटल का जो पूरा नोट्स टू अकाउंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम्स के अंदर जो नोट्स आता है वो शेयर कैपिटल के बेसिस के ऊपर ही आता है। ये पूरा हमने अभी डिस्कस किया, इसके अंदर हम लोगों ने सारी चीजें नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जो शेयर कैपिटल के हिसाब से जानी थी वो देखी। अब नेक्स्ट जो मेरा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शेयरहोल्डर्स फंड के अंदर था, दैट वाज रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बेटा काफी सारे रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व है, कोई भी सरप्लस है, सरप्लस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई भी किसी भी टाइप का रिजर्व है वो सारे के सारे इसी में ही जाता है, दैट इज माय रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो आएगा, जनरली हम जो शेयर्स इशू करते हैं प्रीमियम में, वो जनरली इसके अंदर जाता है। बाकी जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर के अंदर हम लोग जो फोरफीचर करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बच जाता है उस शेयर का, वो सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो उसके अंदर चला जाता है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि कंपलसरी आपको बनाना होता है बिफोर स्टार्टिंग द कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ डिबेंचर्स होता है उनके लिए आपको एक डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, वो उसका अमाउंट यहाँ पे चला जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे रिजर्व जो भी जितने भी टाइप के हैं वो सारे इधर आ जाएंगे। देन नेक्स्ट मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक उनको जो पैसा आ जाता है उसके लिए एक अलग से आप शेयर वारंट कंपनी से मांग सकते हैं। तो वो शेयर वारंट्स अगर आपने कुछ इशू किया है और उस शेयर वारंट्स के लिए आपके पास कुछ पैसा है, तो दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, वो आपके पास आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारे पास था, ये तो मेरा शेयरहोल्डर्स फंड था, इफ यू रिमेंबर शेयरहोल्डर्स फंड दूसरा मेन हेड था, दूसरा मेन हेड था हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो जनरली आपके सिलेबस के अंदर आता नहीं, उसका कोई नोट्स भी जनरली नहीं बनता, ठीक है, आपके लेवल के ऊपर नहीं है अभी। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर था हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स LDOL, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देन डेफर टैक्स लाइबिलिटीज नेट, मतलब डेफर टैक्स लाइबिलिटीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जहां पे अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होती है आपकी टैक्सेबल इनकम से, तो मतलब वहां पे आपकी लाइबिलिटी राइज होती है, जहां आपकी अकाउंटिंग इनकम कम है टैक्सेबल इनकम से वहां पे आपका डेफर टैक्स एसेट अराइज होता है, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन जनरली आपके अभी सिलेबस के अंदर कवर्ड अप नहीं है, ये पोर्शन के अंदर आपको वर्किंग करना नहीं आएगा। देन नेक्स्ट LDO, वो मतलब अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर वो सारी लाइबिलिटीज
जो आपको 12 महीने या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद आपको जनरली पे करने के लिए आती है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर वो सारी लायबिलिटीज जो आप जनरली विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल आपको पे करने के लिए आती है, सो दैट इज करंट लायबिलिटीज। अच्छा एक चीज, जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉल इन अरियर्स बताया था आपको, मतलब वो पैसा जो आपने कॉल कर लिया है, मतलब वो पैसा जो आपने कॉल कर लिया लेकिन अभी तक आपको नहीं आया है, वैसे ही दूसरा होता है कॉल्स इन एडवांस। अभी तक आपने कॉल किया नहीं है लेकिन एडवांस में पैसा आ गया, तो सबसे पहले तो कॉल्स इन एडवांस अगर एओए परमिट करे तो ही ले सकता है कंपनी। एओए मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर परमिट करे तो ही कोई कंपनी कॉल्स इन एडवांस ले सकती है। तो इस कॉल्स इन एडवांस को हम लोग जनरली कहां पे शो करते हैं, ये कॉल्स इन एडवांस जाता है अदर करंट लायबिलिटीज मेन हेड क्या है, करंट लायबिलिटीज के सब हेड के अंदर जाता है, दैट इज अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर्स अभी हम लोगों ने देखा था नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, हम लोगों ने उसको लेस करके दिखाया था सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर से, तो वो कॉल्स इन अरियर्स उधर जाता है। कॉल्स इन एडवांस जनरली करंट लायबिलिटीज के सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर हम लोग उसको शो करते हैं। Unless and until it is permitted by AOA, company cannot accept calls in advance. ठीक है, आपके लिए उसकी वर्किंग नहीं है, उसका इंटरेस्ट रेट वगैरह कुछ होता है, फिक्स होता है एज पर AOA, आपके लिए उसकी वर्किंग अभी इस लेवल पे नहीं आएगी। देन नेक्स्ट, ये तो हमारा था नॉन करंट लायबिलिटीज। देन करंट लायबिलिटीज के लिए हम लोगों ने बात किया था, करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास क्या था, STOs, right? तो S मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो बॉरिंग्स जो आपने कर रखी है ये कोई भी फॉर्म हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 साल का बैंक लोन लिया था और ये 10वां साल चल रहा है, तो इस साल के अंदर आपको पेमेंट करना है, तो वो जो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आ रहा था वो इस साल के लिए क्या आता है, करंट मेजोरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो वो सारा पोर्शन भी आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर फॉल कर जाएगा। शॉर्ट टर्म बॉरिंग्स, देन ट्रेड पेबल्स के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वो दोनों इंक्लूडेड होते हैं, वो बिल्स पेबल और वो क्रेडिटर्स जिनको आपको विद इन ऑपरेटिंग साइकिल या आप मान के चलिए कि 12 महीने के अंदर आपको पे कर देना है। ऑपरेटिंग साइकिल में वर्ड इसलिए यूज करें बिकॉज मेन वर्किंग इज ऑपरेटिंग साइकिल, जो एक्चुअल वर्किंग होता है ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से होता है, बट जनरली जहां पे ऑपरेटिंग साइकिल बहुत प्रिसाइसली डिस्क्राइब नहीं होता है वहां पे हम लोग 12 महीने का टाइम पीरियड लेके चलते हैं, दैट्स अ स्टैंडर्ड वर्किंग। Then, वो मतलब अदर करंट एसेट्स, देन वी हैव शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है, ये सारी वर्किंग आपके लिए जो मेन वर्किंग थी बेटा वो थी हमारे पास किसकी, शेयर कैपिटल की वर्किंग मेन थी जो नोट्स के अंदर आपको सीखनी है। बाकी वर्किंग आपको एसेट्स जब आप वर्किंग करेंगे, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे। आपको आपके लेवल के ऊपर वर्किंग आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब जब आप कैपिटल मंगवाते हैं तो कैपिटल के लिए जो पैसा आ रहा है उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर कैश में पैसा आया बैंक में पैसा आया वो आपको अलग से वहां पे शो करना है, वो आपके नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मेन वर्किंग है वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शेयर कैपिटल का याद रखना है, बाकी सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, आपने कहीं ना कहीं सुनी है और आपको वो कंफर्टेबली दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा कि करंट है नॉन करंट है या फिर ये करंट एसेट है नॉन करंट एसेट है, ये कौन से सब हेड मेन हेड पे जाना चाहिए। एक बार आप अपने बुक के अंदर से रिवाइज कर लीजिए, आपको वो सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। इवन दो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, इवन दो इफ यू फील के नहीं हमको थोड़ा और ज्यादा डिटेल के चाहिए, जस्ट कमेंट मी और जस्ट आस्क मी द क्वेश्चन, वट एवर इट इज आई विल सॉल्व इट। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। हमारा जो बैलेंस शीट का पोर्शन था हमने आज कंप्लीट किया, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर PNL स्टेटमेंट ऑफ PNL के बारे में बात करेंगे और उसके नोट्स के बारे में बात करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है और जो नोट्स हैं वो भी बहुत सिंपल से हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कौन सा मेन हेड कौन सा सब हेड, कौन सी चीज उसके मेन हेड सब हेड के अंदर जाएगी, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सी आपके आगे आने वाला जो जितना भी कंटेंट है, दैट इज कि आपको जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाना आएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के लिए आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आएगा, रेशियो एनालिसिस बनाने के लिए आएगा, इन सब चीजों के अंदर मैं आपको प्रूफ करूंगी कि अगर आपने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो फॉर्मेट है वो आपके दिमाग में है, एंड इफ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट के कौन सी चीज किस मेन हेड किस सब हेड के अंदर जाती है, तो आपके लिए पूरी वर्किंग जो है ना बेटा बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है,
व्हाट आई सजेस्ट इज कि ग्रैब द मींस आपको जो कंसेप्ट है वो ग्रैब कर लेना चाहिए. आपको बार बार एक ही चीज के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए. एक बार जो बड़ा मतलब मगरमच्छ को अगर आपने पकड़ लिया तो वहां पे ऑलरेडी आपने बाकी सारी मछलियां तो अपने आप पकड़ी जाएंगी. तो मेन जो वर्किंग है उसके ऊपर फोकस करो. मेन वर्किंग आपका क्या है कि आपके दिमाग के अंदर आपके माइंड में ही क्लैरिटी होनी चाहिए कौन सी चीज मेन हेड कौन सी चीज सब हेड के अंदर जाएगी. वो एक बार अगर थॉरली आपने रिवाइज कर लिया है देन एवरीथिंग वुड बी कंपैरेटिवली बाकी सब बच्चों से आपके लिए काफी इजी हो जाए. ठीक है. सो दिस इज इट फॉर टुडे. आज की क्लास में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही. कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं. आज के लिए इतना ही. बाय बाय.